सो हे गाइज, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दोस्तों, रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी मिशन रानीगंज को 6 अक्टूबर को सिनेमा घर के अंदर रिलीज कर दी गई थी। और उसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें तो इस मूवी के अंदर हमें देखने मिलता है कि कोयला खदान के अंदर काम करने वाले लोग किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। और उसी बीच दोस्तों 65 माइनर्स उस गोल्ड माइन के अंदर फंस जाते हैं और उस गोल्ड माइन के अंदर फंसे हुए 65 माइनर्स को IIT धनबाद के जसप्रीत गिल किस तरीके से इन माइनर्स को गोल्ड माइन के अंदर से बाहर निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर देखने मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, और एक पॉइंट में इस मूवी के बारे में अगर बात करूं तो ये मूवी सिनेमा घर के अंदर ऑडियंस को काफी बेहतरीन तरीके से एंगेज करती हुई नजर आती है। वहीं पर अगर बात करें तो इस स्टोरी को देखते हुए ऑडियंस के मन में एक एक पॉइंट के बारे में ख्याल आता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस मूवी को सिनेमा घर के अंदर रिलीज की गई है और काफी बेहतरीन तरीके से इस मूवी को डिजाइन की गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रानीगंज मूवी के यानी कि मिशन रानीगंज मूवी के Day 9 के कलेक्शन के बारे में, टोटल 9 दिन के कलेक्शन के बारे में। साथ ही में बात करेंगे ये मूवी किस तरीके की भौकाल के साथ सिनेमा घर के अंदर अभी भी अपने 9वें दिन तक कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इसी तरह के अपडेटेड वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें तो मिशन रानीगंज अपने पहले दिन पे 2.8 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन के साथ नजर आई थी। और उसी के साथ दोस्तों बात करें तो इस मूवी ने अपने सेकेंड डे यानी कि सैटरडे के दिन 4.8 करोड़ की कलेक्शन के साथ नजर आई थी। वहीं पर अगर बात करें तो इस मूवी ने संडे के दिन यानी कि 3rd डे 5 करोड़ की कलेक्शन के साथ नजर आई थी। और तगड़े तगड़े कलेक्शन के साथ इस मूवी ने अपने पहले वीक में टोटल 18.25 करोड़ की बेहतरीन कलेक्शन के साथ नजर आई थी, जो की एक अच्छी खासी और बेहतरीन कलेक्शन मानी जा रही है। बात करें वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस मूवी के 9th डे के कलेक्शन के बारे में, तो अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवी अपने 9वें दिन यानी कि सैटरडे के दिन 1.91 करोड़ की कलेक्शन करती हुई नजर आ सकती है। उसी के साथ अगर बात करें तो ये मूवी अगर अपने 9वें दिन 1.91 करोड़ की कलेक्शन करती है तो इस मूवी का टोटल 9 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 25.16 करोड़ की होने वाली है। उसी के साथ दोस्तों अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मिशन रानीगंज मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अंदर अब गिरावट देखने मिल रही है, यानी कि फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में सेकेंड वीक में काफी कम कलेक्शन के साथ नजर आ रही है। इस मूवी से रिलेटेड जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेंगे आपको लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट इसी चैनल पे देखने मिल जाएगी। मूवीज वेब सीरीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लेटेस्ट और एक्यूरेट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।